हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा ब्लॉग अभी दुबई से ही है, क्योंकि अभी मैं दुबई में ही हूँ। क्यों हूँ ये आप लोग को आगे जो है ब्लॉग में बताऊंगी। आप लोग को जानने की इच्छा हो रही होगी कि मैं अभी तक दुबई में ही हूँ, क्या कर रही हूँ, तो बताऊंगी क्यों हूँ अभी तक यहाँ। तो यहाँ पर किचन में लगभग 12:30 का टाइम हो रहा था जब मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, क्योंकि हमें जाना ही है इंडिया। तो मैंने दीदी से कहा कि जो एक दो चीज़ें बची हुई हैं जो मैं बनाकर नहीं खिला पाई आप लोग को, तो बता दो तो बना देती हूँ। तो दीदी ने कहा कि तुमने बहुत पहले कहा था कि बेसन के लड्डू अच्छे बनाती हो, तो वही बना दो। और घर में जो घी बहुत ज़्यादा नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा सा ही बना देती हूँ, सब टेस्ट कर लेंगे मेरे हाथों का और दीदी को भी आइडिया हो जाएगा, तो दीदी जो है बाद में बना लेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो देसी घी को गर्म किया था, और कोई भी चीज़ नाप के नहीं ली थी, अंदाजे से ही ली थी। तो लगभग हाफ कटोरी के लगभग देसी घी रहा होगा। घी को गर्म कर लिया, और उसके बाद से बेसन जो है मैंने वो डाले हैं अल्टरनेट करके। जैसे जैसे मैंने देखा कि ये घी जो है बेसन को सोखता जा रहा है, वैसे वैसे मैं यहाँ पर बेसन ऐड करती जा रही थी। तो जो रोस्टिंग टाइम का जो लास्ट का मैंने बेसन ऐड किया है, वो इस तरीके का मिक्सचर आपको होना चाहिए। जब इस तरीके का मिक्सचर हो जाए, तो इससे ज़्यादा हमें ड्राई नहीं करना है। और लगभग जो है जितना घी था, उससे थोड़ा सा ज़्यादा बेसन लगा था। तो यहाँ पर अभी बेसन को जो है मैंने रख दिया धीमी धीमी आँच पर, और भुनने के लिए बीच बीच में चलाते रहेंगे और धीमी आँच पर भूनते हैं। तो आप देखेंगे कि जो है इस तरीके से बेसन का मिक्सचर जो है धीरे धीरे गीला होता जाएगा। जी हाँ, घी जो है गर्म होकर पिघलता जाता है, तो बेसन से घी छूटने लगता है। और ये वाला प्रोसेस जब बेसन इस तरह से गीला हो जाए, तो फिर हमें लगातार चलाते हुए करना है। बीच बीच में चलाते रहें, ध्यान रखें कि बेसन जो है जलने ना पाए। और इसमें गैस का फ्लेम जो है वो एकदम सिम पर है। साथ ही दीदी मेरे साथ जो है किचन में है, तो वो इस टाइम पे रोटियां बना रही हैं, और मैं जो है हलवा बना रही थी। मैंने कहा चलो ये काम कर लेते हैं, और कब हमारी फ़्लाइट की टिकट की डेट आ जाए कुछ पता नहीं है। तो क्योंकि जो फ़्लाइट्स वो जो है वो रेडली शेड्यूल होती जा रही है। और अभी यहाँ पर हमारा बेसन जो है भून चुका है, मतलब थोड़ा सा और भूनना बाकी था, 4-5 मिनट मैंने और भूना था। और जब आपको अच्छी सी खुशबू पूरे घर में फैलने लगे, बेसन का कलर चेंज हो जाए, सुनहरा हो जाए, तब आपको करना ये है कि इसी गर्म बेसन में पानी की छींटे देने हैं। तो आप देख रहे हैं कि मैंने पानी की छींटे कितने दिए, बहुत थोड़े से पानी की छींटे देंगे, और इस तरीके से लगातार चलाते हुए छींटों को बराबर कर लेंगे। और ये प्रोसेस हमें 2 से 3 बार करना है बेसन के लड्डू बनाते समय। इससे क्या होता है कि बेसन जो है दानेदार हो जाते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं पानी की छींटे दे देकर लगातार इनको चलाती जा रही हूँ। तो इस तरीके से जब हम बेसन के लड्डू बनाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और मैंने जब अपने मतलब बेसन के लड्डू की फ़ोटो खींची और स्टेटस पर लगाई, तो बहुत सारे लोगों ने पूछा भी इसकी रेसिपी। तो मैंने इसकी वीडियो बना रखे थे, इसलिए मैंने जो यहाँ पर सिर्फ ब्लॉग में शेयर किया है, इसका रेसिपी वीडियो शूट नहीं किया था, क्योंकि पहले से मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि पानी वानी डालने के बाद बेसन का पानी अच्छे से जब सूख गया है, तब यहाँ पर ये मैं तीसरा प्रोसेस कर रही हूँ। और हर बार जो है जैसे ही आप 2 बूंद पानी डालें, उसके बाद से पहले अच्छे से बेसन को चला लें, वापस से ड्राई होने दें, उसके बाद से फिर जो है नेक्स्ट टाइम पानी डालें। तो इस तरह से करके 2 से 3 बार मैंने यहाँ पर लड्डू में पानी डाला है। और इसके बाद से अब मैं गैस को बंद कर दूंगी, और मिक्सचर को मैंने निकाल लिया था एक बड़े बर्तन में, जिससे कि जो है अच्छे से ठंडा हो जाए। और जब अच्छे से ठंडा हो गया है, फिर हम यहाँ पर हाथों से अच्छे से मसल लेंगे, जिससे घी जो जम गया है वो थोड़ा सा बराबर हो जाए, मतलब बेसन को एक बराबर कर लेंगे। और इसके बाद से चीनी मैं ले रही हूँ अंदाजे से, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बेसन नापा नहीं था, घी भी नहीं नापा था, तो इसलिए चीनी का यहाँ पर मैं बूरा यूज़ कर रही हूँ। वैसे ये बूरा जो है यहाँ पर नॉर्मल चीनी होती है दुबई में, हम लोग जो है बड़े दाने का चीनी यूज़ करते हैं इंडिया में, पर जो यहाँ का चीनी होती है वो ऐसे ही होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। और लड्डू बनाने के लिए बूरे की ज़रूरत पड़ती है, चीनी के बूरे की। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमारा ये लड्डू का मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड नहीं किए, क्योंकि दीदी ने बोला कि बच्चे नहीं खाते हैं, तो मैंने कहा चलो ऐसे ही बना देती हूँ। और चीनी भी अंदाजे से ली है, तो जितना लगभग बेसन होता है उतनी ही चीनी लग जाती है। और यहाँ पर मैंने लड्डू बनाने शुरू भी कर दिए हैं। तो बस अब जो है आगे जाऊँगी बैठ कर, और मैं बैठ कर लड्डू बनाती हूँ, और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अब हाय करिए, अब ऑन हो गया है कैमरा, अब कैमरा ऑन हो गया है। हाय यो भी कर दियो, यो यो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिया जी ने भी आप लोग सब लोग को हाय यो और न जाने क्या क्या कर दिया, और मैं यहाँ पर आकर बैठी हूँ लड्डू बांधने के लिए। मैंने कहा यहाँ आकर बैठते हैं डाइनिंग टेबल पर, फिर लड्डू बनाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोग को। यहाँ पर बन रहे हैं बेसन के लड्डू। हेलो ओह सॉरी, हेलो कर लो,
हेलो और हेलो, अब अभी हम लोग यही जाने का कुछ नहीं हुआ और अभी जो है फ्लाइट्स डिले पे डिले हो रही हैं, रीशेड्यूल हो रही हैं, देखते हैं क्या होता है फ्लाइट्स का। लड्डू बन गए, 3 लड्डू बने हैं। हेलो, सारा लड्डू मेरे लिए। हेलो, और उसके लिए बहुत ज्यादा हमको पैसा देना पड़ेगा। ये सारा लड्डू मेरे लिए है। अरे हट जा नहीं। मौसी से पूछो किसके किसके लिए है। मौसी किस किस लिए की है? बेहोश हो गई दिया, पूरी प्लेट ले गए। बेहोश हो गई दिया, टूटने चले जाएगा, अभी ताजा है, टूट जाएगा। चलो मैं नहीं जाता। चावा कोई बना रहा था क्या? जाओ। चीनू बनाती है तो आधा घंटा आराम में बैठ जाती है, फिर उसके बाद फिर चांद खिलाती है। अच्छा नहीं लगी क्या? करें चलो चलो अपनी आवाज सुन लियो, मैम रिकॉर्ड करती है ना तो उसमें मैं आंसर देती हूँ ना। वो भी देख ली। अच्छा गोला बना रही हूँ, एकदम गोली बनाने में माहिर है। उसको छूना नहीं है। कहाँ है ये प्लेट लेके चले जाएंगे अभी हम? नहीं मत जाओ ना क्या? आपको ये आप लोग का हरकत में दिख रहा है। आपको करना तो फिर एक एक बाइट लेके करना है। ये सारा आपका नहीं है, सब लोगों का भी है। ये सब लोगों के लिए है लड्डू। मिठाई तो मीठा खाती नहीं हो ना तुम? चलो किनारे नहीं जाओ। कब से लड्डू बनते बनते मालिक भी पैदा हो गए इसके? घर बोलने वाली थी कि ध्यान आया मालिक के बाद भी ओ लड्डू के बाद भी बता रहे हैं। मार से मैं लड्डू का मालिक हूँ। कितना लड्डू है, कितने दिन चलेगा ये लड्डू मालिक बन रही हो? अगर लड्डू के नाव लगेगी मैं तब तक मैं मालिक बनूंगा। अगर लड्डू की नाव है मैं तो फिर मैं मालिक बनूंगा। मुझे नाव कौन? नाव ये देखो, इस पर बैठो ना। ये नाव मस्तू, ये अलग तरीका है क्या गोली बनाने का? अलग तरीका क्या है, इसी तरीके से गोली बनती है। मस्त आपके हाथ गंदे हो गए। तो हाथ तुम बेटा बेसन लगेगा नहीं जब गोली बनाएंगे तब? अच्छा लगे। और अभी यहाँ पर सारे बेसन के लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। तो इतने ही लड्डू बने थे जितने आपको प्लेट में दिख रहे हैं। अभी इसमें से किसी ने खाया नहीं है, पर लड्डू काफ़ी अच्छे बने थे, एकदम दानेदार। दीदी बोले कि जैसे मंदिर के बाहर जो शॉप्स होती हैं बेसन के लड्डू मिलते हैं ट्रेडिशनल वाले, वैसे एकदम टेस्ट आए हैं। तो काफ़ी अच्छे लड्डू बने थे। हम तो मसाजे से
और फ्रेंड्स अभी हो गया है ये रात का टाइम, रात के खाने में बन रही थी अंडे की भुर्जी, तो मैंने कहा चलो छोटी सी रेसिपी है वो शेयर कर देती हूँ। और एक सेट तवे पर मैं जो है डोसा बना रही थी, और ये डोसा जो है मिक्स दालों से बना है। इसकी रेसिपी मैंने शूट नहीं करी ना ही ब्लॉग में और ना ही रेसिपी चैनल के लिए, पर इंडिया जाऊँगी तो इसका रेसिपी वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि ये डोसा घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और अभी यहाँ पर भुर्जी के लिए मैंने सबसे पहले तेल में जीरा डाला और जीरे के साथ डाल दी है कटी हुई प्याज। तो जो लोग एक भुर्जी ना खाते हो वो इस तरीके से पनीर की भुर्जी बना सकते हैं, क्योंकि सेम तरीके से बनती है पनीर की भी भुर्जी। और अभी यहाँ पर टमाटर अदरक हरी मिर्च डाल दिया है, और टमाटर अदरक हरी मिर्च के साथ ही यहाँ पर जाएगा नमक। तो नमक जितना आपको स्वाद अनुसार लेना हो वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं भी जो है 6-7 अंडों के हिसाब से यहाँ पर नमक मैंने डाल दिया है, और बस इसको छोड़ दूँगी धीमे धीमे आँच पर अच्छे से पकने के लिए। और अभी यहाँ पर टमाटर जो है जब हल्के से गल जाएं तब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ब्लैक पेपर का पाउडर, क्योंकि इस भुर्जी में हम जो है लाल मिर्च पाउडर का कम यूज़ करेंगे। मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली ही नहीं थी। इसके अलावा मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स, जो कि सूखी वाली फ्लेक्स होती है जो हम लोग पिज्ज़ा वगैरह में यूज़ करते हैं, वो यहाँ पर मैंने डाला है। तो बस कुछ इस तरीके से बन रही है भुर्जी, और इस तरह का भुर्जी का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। सिंपल वाली बनाते हैं पर ये मुझे ज़्यादा पसंद है। और इसमें आप डाल दिए फ्रोज़न वाली हरी मटर, और मटर के बिना भुर्जी का स्वाद नहीं आता। पनीर की भुर्जी में भी अगर आप हरी मटर डाल के बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आप लोग कभी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब यहाँ पर मैंने अंडे फोड़ फोड़ कर डालने शुरू कर दिए हैं, तो बस यहाँ पर अंडे फोड़ कर डाल दूँगी। और इसके बाद से जो है सारे अंडे मैंने फोड़ लिए, तो यहाँ पर मैंने 7-8 अंडे जो है फोड़े थे, और बस इनको लगातार अच्छे से मिलाते हुए हिलाते हुए हम जो है अंडों का जो येलो वाला पार्ट है वो फोड़ ले रहे हैं। बस इसे जो है इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। और मसाला अगर आपको डालना हो तो मैं इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला ऐड करूँगी, बाकी कोई और मसाले मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं, जैसे कि हल्दी, धनिया या फिर पिसी हुई लाल मिर्च, मैंने वो कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि वाइट भुर्जी होती है तो देखने में बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। और यहाँ पर जैसा कि आपको बताया था गर्म मसाले का पाउडर ऐड कर दिया है, तो बस यहाँ पर हमारी अंडे की टेस्टी टेस्टी से भुर्जी बनकर तैयार है। बस लास्ट में थोड़ी सी हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे, और ये जो भुर्जी होती है ये पराठे के साथ या रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है खाने में। तो बस यहाँ पर जो है ये भुर्जी बनकर तैयार है, और डिनर करने के बाद फिर जो है चलिए मिलती हूँ आप लोगों से और बताती हूँ कि मैं अभी तक दुबई में क्यों हूँ, क्या रीज़न ऐसा आ गया जिसकी वजह से मुझे अभी दुबई में रुकना पड़ा है। तो अभी जो है रात के 10:30 हो गए हैं, यहाँ पर दुबई के हिसाब से इंडिया के हिसाब से 12 बज रहे होंगे। खाना वाना खाकर मैं कमरे में आई, और लेटी फिर मुझे याद आया कि चलो ब्लॉग में आप लोगों से सामने से बात नहीं कर पाई थी दोपहर में, क्योंकि जिया जी की दिया की मस्ती चल रही थी। तो मैंने कहा चलो आप लोगों से बाद में बात करूँगी। और मेरा जो ब्लॉग गया है इससे पहले का, जिसमें मैंने फ़्लाइट्स की सारी डिटेल दी थी आप लोगों को, और उसके बाद से मेरे पास व्हाट्सएप पे इतने ज़्यादा मैसेज आए सबके, जो लोग मुझे देखते हैं मेरे ब्लॉग्स के थ्रू, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि आप इंडिया आ गई, इंडिया आ गई, और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। पर देखिए अभी तक मैं यहीं हूँ, तो कुछ ऐसे हो रहा है। और आज जो है 28 जून में भी मैं यहीं हूँ, क्योंकि हमारी फ़्लाइट्स के डेट जो है रीशेड्यूल होते जा रहे हैं, पता नहीं कब तक होंगे, कुछ नहीं पता। और जब मैंने लास्ट ब्लॉग बनाया था उस दिन, तब ये था कि हमारी फ़्लाइट जो है 27 की थी, उसके बाद से 30 तारीख की हुई, और अभी जो है वापस से मैसेज आया, मतलब आज की डेट में ही मैसेज आया कि अब 3 तारीख हो गई है, यानी कि 3 जुलाई। तो आप सोच सकते हैं कि कितने ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं। और इस बीच में हमारे पास स्पाइस जेट से भी फ़ोन आया कि वंदे भारत मिशन के थ्रू, और वो भी सिर्फ मेरे नाम पे फ़ोन आया कि जाने के लिए, कि मतलब जो गरिमा जी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था उनको जाना है। तो उन्होंने बोला कि अरे हम लोग पूरी फैमिली हैं, मैं हस्बैंड हूँ, बच्ची भी है छोटी, तो सबको जाना है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मतलब जिसके लिए फ़ोन आया है सिर्फ वही अलाउड है जाना। तो मैं तो अकेले कैसे जाऊँ, इनको और दिया को छोड़कर सवाल ही नहीं उठता। तो कुछ यूँ रहा, तो वंदे भारत से भी फ़ोन आया, तो वो भी फ्लॉप हो गया मामला यहाँ पर। और अभी हम लोग बस 3 तारीख का वेट कर रहे हैं। और जो चार्टर फ्लाइट है वहाँ से भी मतलब मैसेज आ गया कि अगर आप लोग चाहें तो पैसे रिफ़ंड कर सकते हैं, क्योंकि जयपुर में जो है फ़्लाइट्स जो है लैंड होने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि जयपुर में डेली 2 फ्लाइट उतर रहे हैं और कहीं बाहर कंट्री से ही आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जो पैसेंजर्स आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक दिन में इकट्ठे हो जा रहे हैं, और उनको क्वारंटाइन करने की जगह नहीं बच रही है। तो जो फ्री के सेंटर हैं, जो सस्ते हैं, चीपेस्ट हैं, उनमें जो है बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जा रही है। और वैसे भी जब हम लोग क्वारंटाइन अगर होंगे भी जयपुर में जाके, तो वो अपने पैसे पे ही होंगे, पेड होगा जो भी होगा जहाँ भी होंगे, पर जगह ही नहीं हो रही है, होटल्स नहीं खाली हैं, सारी सिटी बुक है। तो इसलिए जो है जयपुर में और नई फ़्लाइट्स नहीं उतार रहे हैं, और जब ये फ़्लाइट्स उतारेंगे तभी जब वहाँ पे जगह बनेगी और लोगों के लिए, इसलिए जो है जयपुर मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है
वो ही परमिशन नहीं दे रहे हैं फ्लाइट्स और लैंड करने के लिए। तो कुछ ही इस तरीके से मामला हम लोग का फंस जा रहा है। बार बार चैटर फ्लाइट के जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैसेज आ रहे हैं, तो ये डेली बताते रहते हैं कि आज ये मैसेज है, ये मैसेज है। तो मैंने कहा चलो आप लोग को भी अपडेट कर दूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि मैं इंडिया आ गई हूँ ब्लॉग देख कर, जिन लोगों ने मुझसे पूछा नहीं है और वो लोग तो शायद यही सोच रहे होंगे। पर जिन्होंने पूछा उन सबको मैंने व्हाट्सएप पे बता दिया था कि अभी कुछ फिक्स नहीं है और कोई डेट फिक्स ही नहीं है, तो मैं किसी से बताऊंगी तो क्या बताऊंगी। तो इसलिए जो है कुछ यूँ चल रहा था सीन, और अभी तक हम लोग यही हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे दुख की बात यह है कि जो कार्गो वाले सामान से हमने जो VIP भेजी थी उसमें अपने सारे कपड़े भेज दिए थे। मैंने अपने सिर्फ 2-3 जोड़ी रखे थे, इनके रखे थे, दिया के 2-3 जोड़ी रख दिए थे, इनके तो सिर्फ 2 टी शर्ट रखी थी, कुछ भी नहीं रखा था। मैंने कहा जेंट्स का काम चल जाता है, इन्होंने बोला कि मत रखना, जितने जीन्स हैं हैवी वो सब भेज दो। तो मैंने सब कुछ भेज दिया था, बस रास्ते में पहनने के लिए 1 जोड़ी कपड़े रखे थे। तो हालत कुछ यूँ हो रही है कि कपड़ों की भी क्राइसिस हो गई है इस टाइम पे, और ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो कि जब हम लोग पहुँचें तभी हमारा मतलब कार्गो वाला जो लगेज है वो भी उसी टाइम पे पहुँचे, तो कैसे होगा क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अभी फ़िलहाल हम लोग यही हैं, 3 तारीख तक तो यही हैं, इस बीच में देखते हैं क्या चेंजेस होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो कुछ यूँ है, 2 दिन से ये सारे सीन चल रहे हैं, तो अभी फ़िलहाल यही हूँ। पर इंडिया आऊँगी ज़रूर, और आप सबकी विशेज मिली तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग की प्रार्थनाएँ हैं, दुआएँ हैं, तो इंडिया तो पहुँच ही जाऊँगी कैसे न कैसे। क्वारंटाइन होते हैं नहीं होते हैं ये नहीं पता, जयपुर का क्या सीन होगा वो सब कुछ जैसा भी होगा आप लोग को पता ही चलेगा, सब कुछ आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो बस यूँ चल रहा है, और दिया भी खेल रही हैं उधर जिया जी के साथ, और आजकल टाइम पास करने के लिए कभी हम लोग राजा मंत्री चोर सिपाही खेल लेते हैं, कभी कार्ड खेल लेते हैं मतलब ताश खेल लेते हैं, तो इस तरीके से दिन कट रहे हैं आजकल। तो बस ऐसे ही है, और डिनर में बनाई थी अंडे की भुर्जी, दिन में दीदी ने चिकन बनाया था, तो कुछ लोगों ने चिकन खाया, कुछ लोगों ने अंडे की भुर्जी खाई, पर रोटी पराठे से कुछ ने रोटी खाया कुछ ने पराठा खाया, ऐसे चला। तो आज का दिन कुछ ऐसे ख़त्म हुआ है, आप लोग का दिन कैसा बीते ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों अब यहीं पर हूँ, तो ब्लॉग्स बनाऊँगी आप लोगों के साथ, सारी अपडेट दूँगी, सारी बातें शेयर करती रहूँगी। चलिए फिर मिलती हूँ अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।